सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लिया है और अकाउंट दोस्तों ओपन करने के बाद जो है आपका यहाँ पर जो है पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है पेटीएम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से, जैसे कि यहाँ पर मैं पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस है हिस्ट्री में जाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ट्रांजेक्शन फेल्ड, और यहाँ पर दोस्तों मुझे एक रीज़न दे दिया जा रहा है ट्रांजेक्शन फेल्ड। तो ये फेल्ड जो दोस्तों क्यों हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन क्यों फेल्ड हो रहा है दोस्तों, ये फेल्ड हो रहा है हमारे केवाईसी के कारण। तो इसका केवाईसी दोस्तों हम कंप्लीट कैसे करेंगे, घर बैठे ऑनलाइन दोस्तों फुल केवाईसी कैसे करेंगे, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप अपना एक दोस्तों अकाउंट ओपन आपने किया हुआ है तो घर बैठे किस तरीके से फुल केवाईसी करना है, सारा डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको आज बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अगर आप सभी को दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाल वाले बटन दबा के सब्सक्राइब करना, घंटी को ऑल पर क्लिक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम घर बैठे किस तरीके से फुल केवाईसी कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। हमने अकाउंट ओपन कर लिया लेकिन हमारा बैलेंस जो है कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये दोस्तों केवाईसी के कारण हो रहा है। आपका भी दोस्तों हो रहा होगा तो इसी के कारण हो रहा होगा, मेरा भी हो रहा था सेम इसी के कारण हो रहा था। चलिए हम लोग केवाईसी कंप्लीट कैसे करना है सारी चीज़ जान लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों फुल केवाईसी करने का बिल्कुल एक ही तरीका है जिससे आप यहाँ पर फुल केवाईसी कर सकते हैं। तरीका तो दोस्तों काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो ऑनलाइन तरीका है घर बैठे जिससे हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है ऑनलाइन का तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऑफलाइन का तरीका है। आप लोग कहीं पर भी दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के दोस्तों और बैंक में जा करके आप लोग फुल केवाईसी करा सकते हैं, अपना आधार कार्ड लेकर के जाना होगा, या तो दोस्तों आप कहीं पर भी इंडिया पोस्ट पेमेंट जो डाकिया होता है दोस्तों वहां पर भी जाकर के आप फुल केवाईसी करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस जो है ऑनलाइन प्रोसेस है। ऐसा आप लोग जो इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करना, पहले कमेंट मत कर देना कि भाई मेरा केवाईसी नहीं हो रहा है, फेक वीडियो है, ये है वो है, आप दुनिया जहान के दोस्तों, तो बात आप लोग मत बोलना, ठीक है। पहले वीडियो को पूरा देख लेना कंप्लीट, किस तरीके से केवाईसी करना है उसका प्रोसेस समझ लेना, तभी जाकर के कमेंट करना, ठीक है, बिना मतलब के आप लोग कमेंट मत करना। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसके लिए दोस्तों इसका लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब दोस्तों देख सकते हैं cc.gov.in दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का दोस्तों ये वेबसाइट है, इसमें आपको आना है। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में ही ऑप्शंस मिलेगा भारतीय डाक सर्विस रिक्वेस्ट, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जैसा नाम दोस्तों आपके आधार कार्ड में लिखा गया है सेम वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर नाम डालने के बाद जैसा आधार कार्ड में है उसका डालना है जिससे आपने अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एड्रेस आपको डालना है, कौन सा एड्रेस डालना है, आधार कार्ड के पीछे आपको एड्रेस मिल जाएगा जो आपने अकाउंट ओपन करते वक्त एड्रेस यहाँ पर दिया होगा, उसी एड्रेस को डालना है। देन दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को डालना होगा, पिन कोड भी आपको अपने आधार कार्ड में मिल जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना होगा दोस्तों, जो आपने अकाउंट ओपन करते वक्त एक ईमेल आईडी दिया था उसी ईमेल आईडी को डाल सकते हैं, या आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर उसी मोबाइल नंबर को दर्ज करना है जो मोबाइल नंबर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने अकाउंट ओपन कराते वक्त जो दिया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको आना है, और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको मिलेगा आईपीपी अदर सर्विस, यहाँ पर दोस्तों आपको इस वाला ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शंस है ये आधार का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहा है आईपीपीबी अदर सर्विस, तो आपको इस पर क्लिक करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज जो है थोड़ा सा लोडिंग लेगा, देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेश किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और ध्यान से आपको सारा चीज को अच्छे तरीके से समझना है, देख सकते हैं। जैसे दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद नीचे एक ऑप्शंस मिलेगा आपको सेलेक्ट करने का, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं आपको जो है इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा डिपॉजिट विड्रॉल, और यहाँ पर दोस्तों अकाउंट ओपनिंग, तो जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने जो है अकाउंट यहाँ पर ओपन किया है उसका हमें फुल केवाईसी करना है। अब यहाँ पर दोस्तों सारा डिटेल यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया है, और डालने के बाद आपको क्या करना है रिक्वेस्ट ओटीपी में, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी में क्लिक करना है सारा डिटेल फिलअप करके। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ओटीपी जो है हमारा रिक्वेस्ट ओटीपी वाले नंबर में दोस्तों ओटीपी चला गया है। ओटीपी यहाँ पर डाल के आपको जस्ट क्या करना है,
कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर डाल के रिक्वेस्ट कंफर्म कर देते हैं। ओटीपी दोस्तों डालने के बाद देख सकते हैं रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली रिक्वेस्ट। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है, इस रेफरेंस नंबर को हम स्क्रीनशॉट करेंगे क्योंकि दोस्तों इसका जो स्टेटस है आप इसका भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका रिक्वेस्ट जो है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वालों के पास चला गया। अब आपके पास दोस्तों आपके घर में डाकिया आएगा अपना डिवाइस लेकर के, जिसमें दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। और वहाँ पर दोस्तों दिखाने के बाद उसमें आपको एक फिंगरप्रिंट के मदद से दोस्तों आपका एक थंब लगाया जाएगा और आपका जो केवाईसी या दोस्तों फुल आपको घर बैठे कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इसका स्टेटस जानने के लिए आप इस चीज को कॉपी करेंगे, जैसे हम यहां पर कॉपी करते हैं और दोस्तों इसका स्टेटस जानने के लिए इसी वेबसाइट पर आएंगे और यहां पर दोस्तों चेक ट्रैक स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर जो है रेफरेंस नंबर जो मिला गया है इस पर आपको पेस्ट कर देना है और यहां से दोस्तों डाल के देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका पेज लोडिंग लेगा और आपका स्टेटस बता देगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे एड्रेस पर दोस्तों आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अभी पेंडिंग बता रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग फुल केवाईसी कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में घर बैठे। उम्मीद कर दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।